Today I would like to explain the second poem, The Tributary, composed by Thomas Carew. Thomas Carew was born at West Wickham in 1595. He got his education from Corpus Christi College, Oxford, and held the post of secretary to Sir Totally Carrollton at Venice. He was at the favorites of the king and was appointed at the king's court. And this poem, the poet glorifies spiritual beauty and condemns physical beauty. इस कविता में कवि ने आध्यात्मिक सुंदरता को अत्यधिक महत्व दिया है. उसने कहने का प्रयास किया है कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक सुंदर है या उसमें शारीरिक सुंदरता अत्यधिक है पर आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं है. He says that physical beauty is very short-lived and the feelings of love due to dies with the fading of physical charms. True beauty lies in a smooth and firm mind, gentle thoughts and calm desire, and it never goes on inspiring its admirer. जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वह उम्र के हिसाब से बढ़ती है. यू हैव सीन सचिन तेंदुलकर, ही स्टार्टेड हिज क्रिकेट करियर इन द एज ऑफ 16 और 18, बट एज जितना वो उम्र में बढ़ते चले गए उतना ही वो जीनियस बैट्समैन होकर निकले. बहुत सारे आप रियल को देखते हैं वो उम्र के पड़ाव के साथ साथ ही आगे बढ़ते चले जाते हैं. In this poem, the poet clears that the man or the lover who loves his beloved due to his physical beauty, her physical beauty dies, decays very soon with the passage of time, and so his feelings of love also dies with time. He that loves rosy cheek or a coral lip admires, the lover who admires who praises. The rosy cheek of his beloved or admires his red lips. वह प्रेमी वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों की प्रशंसा करता है अथवा उसके लाल मूंगे जैसे ओठों की प्रशंसा करता है. आर फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, अथवा अपने प्रेमिका के तारों जैसी आंखों में खोजता है फ्यूल ईंधन टू मेंटेन हिज फायर, अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने की जो अग्नि है अपने प्रेमिका की आंखों में खोजता है, अर्थात अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए अपने प्रेमिका की आंखों पर प्रेम के लिए वो ईंधन खोजता है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे ही पुराना समय आता है या समय बीतता है ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं. सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए जो उसकी प्रेम की अग्नि है प्रेमाग्नि है ये लव फ्लेम है लव फायर है वो भी उसी टाइम के समय के साथ में पैसेज ऑफ टाइम के साथ में तुरंत समाप्त हो जाती है और उसकी जो प्रेम की पिपासा है प्रेम की इच्छा है प्रेम वह समाप्त हो जाती है. दूसरी तरफ उसने स्पिरिचुअल ब्यूटी को बताने का प्रयास किया बट स्मूथ एंड स्ट्रेट फास्ट माइंड, लेकिन स्मूथ अर्थात चिकना सुंदर एंड स्ट्रेट फास्ट अर्थात सुदृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थाट सादगी पूर्ण विचार एंड काम डिजायर्स अर्थात शांत इच्छाएं. अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को रखता है, चार चीज़ें बताई उस कवि ने, सुंदर सुदृढ़ मस्तिष्क सादगी पूर्ण विचार और शांत इच्छाएं, हर्ट्स विथ इक्वल लव कम्बाइंड अर्थात जो इन उसका अच्छा हृदय है और उसके हृदय में सारी ये चीज़ें मिली हुई हैं अर्थात सुंदर विचारों एकनिष्ठ एवं शुद्ध इच्छा मिस्थर मन वाली महिला हमेशा प्रेरणा स्रोत होती है, अर्थात जिस किसी महिला के विचारों गुण रखती है कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, वह महिला ऐसी प्रेमाग्नि उत्पन्न करती है अर्थात उस महिला से के प्रति ऐसी प्रेम की ज्वाला उत्पन्न होती है. नेवर डाइंग फायर्स जो जिसकी प्रेमाग्नि कभी समाप्त नहीं होती है जो कभी समाप्त इज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है. कवि स्पष्ट तौर पर कहता है
कि जहाँ पर स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर, ये सारी चीज़ नहीं है। वेयर दीज आर नाइट आई डिस्पाइज, अर्थात कभी कहता मैं घृणा करता हूँ लवली चीक, सुंदर गालों से और लिप्स ओंठों से, और आईज अथवा आँखों से मैं पूरी तरह घृणा करता हूँ, क्योंकि ऐसी सारी सुंदरता का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई स्त्री बहुत सुंदर है, परम सुंदर है, लेकिन उस पर किसी प्रकार के गुण नहीं है, तो उस स्त्री की सारी सुंदरता का किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं है।